अर्श, अर्श उठो, अर्श उठो। वैसे तो अनु प्रीतों के हो जी लगी। सच्ची दसा मैनु प्रीतों देखे लग्या जिवे खेलदा होया गुलाब, किसे शायर दा ख्वाब, कोई उलझी हुई किरण ते बागां दे विच हिरन ते मंदर दे विच जगदा होया दीवा। बंद करो अपना यह मुशायरा, नहीं ते मैं तुहाडा दीवा सदा लई बुझा देंगी। गुस्सा क्यों कर दी डार्लिंग, मैं तो शायरी कर रहा है। मेरी तारीफ च तो कदे दो बोल बोले नहीं गए तुहाडे तो। प्रीतों दा नाम आंदे तुहानू शायरी याद आ रही है। शायरी ले सुना दिना है, अर्ज कीता है पत्नी नू अपने पलकां ते बिठा लो, देके खुशी उदे सारे गम चुरा लो, प्यार करो उदी सहेली सामने ते सहेली कहे डार्लिंग मैनू भी बिठा लो। अर्श ओ दंद क्यों पीस रही है डार्लिंग, जे सहेली दा करैक्टर ढीला तां पति बेचारा की करे। यार कहे जी कुड़ियां तो की मतलब है, प्रीतो कुड़ियां वर्गी कुड़ी है। ओह मनु, मेरा मतलब सी कि तुहानू उहदे च कुछ तां चंगा या माड़ा लग्या होना, जिदा उहदी लुक, उहदा स्टाइल, कुछ भी। यार प्रीतो कुड़ियां वर्गी कुड़ी है, उहदे च की चंगा या की माड़ा। हुण तां तू गल ऐं कर रही है जिवें मेरे नाल उहदा विआह कराउणा होवे, बाकी मैं उहनू इन्ने गौर नाल नहीं देखिया। मतलब तुहानू उह चंगी नहीं लगी। यार चंगी तो की मतलब है, फिर किहड़ा मैनू मिल जूगी, नाले जिहदी किस्मत च टिंडे लिखे होण उहनू बटर चिकन दे सुपने नहीं लैणे चाहीदे। की किया मैं टिंडे वर्गी आ? सिमी डार्लिंग तुसी थोड़ी डिंडे वर्गे हो, तुसी ता मेरे चिकन लॉली पॉप हो, जमाई गैंडे वर्गे। जसी प्रीतो ले कोई वधिया मुंडा हैगा? मेरे हुंदे हां किसे होर मुंडे दी की लोड़ है। की कहा? मेरा मतलब है मैं ओदे लिए एक बेस्ट मुंडा लब के दवांगा। वैसे तुहानू पता है प्रीतो ले मुंडिया दी लाइन लगी पई है, पर ओ चाहुंदी है ओदे लिए मुंडा मैं लब के दवां। क्यों, तो मैरिज ब्यूरो वाली है? नहीं, ओनु मेरी पसंद ते पूरा भरोसा है, ओ चाहुंदी है कि ओनु थोड़े वर्गा शरीफ मुंडा मिले। मेरे वर्गा दूजा मुंडा मिलना ता मुश्किल है, पर तू कोशिश करी जामी। मनी तेरे कहने मुताबिक असी रेडी हो गए, दस हुन अगे की करना है। पर मनी तू सवेरे सवेरे सानू तैयार होने लिए क्यों कहा? क्योंकि अगर आप तीनों घर में रही तो आपके पति प्रीतो पर खुलकर चांस नहीं मार पाएंगे, इसीलिए थम तीनों शॉपिंग पर जा रही हो। मनी तो कहना की चाहती है असी उते शॉपिंग करिए ते इत्थे अपने हस्बैंड्स नू फ्लर्ट करने लिए छड़ दिए। ओहो मैडम आप लोग शॉपिंग पे ना जा रही। पर हुने तो तू कह रही सी आप सारे शॉपिंग करने जा रहे हैं। ओहो मेरा कहने का मतलब है आप सिर्फ अपने पतियों की नजर में शॉपिंग जा रहे हो, रहोगे तो थम तीनों इसी घर में, ऐसा करने से आपके पति प्रीतो ना किल्ली पाकर खुलकर लाइन मारेंगे और आप लोग तीनों इनको रंगे हाथ भी पकड़ लोगी। मनी आज तेरे शक दूर हो जाएगा, देखी साडे ना रहंदे होए भी साडे पति शराफत दा चोला नहीं लाउणगे। वो तो टेम ही बताओगा मैडम, चलो जल्दी छुप जाते हैं। पर तू साडे नाल क्यों लुकेंगी? ओहो मैडम प्रीतो जी को हमें बिल्कुल अकेले छोड़ना है, अगर मैं रही तो सब लोगों ने डर रहेगा कि मैं उन लोगों की करतूत कदे थाने ना बता दियो। प्रीतो हां जी मेरे अर्श को थोड़ा दूर रह के फ्लर्ट करी। ते मेरे मनु तो भी तुसी फिकर ना करो, मैं उन्होंने चांस मारन दी टिकट ता दवांगी पर उन्हां दी टिकट कंफर्म नहीं करांगी। मैडम आप लोग डर क्यों रहे हो, आज तो आप लोग अपनी घराला की रासलीला अपनी आंखियां ता देखोगी, चलो छुप जाते हैं। हाँ चलो आप लुक दे, अर्शविना जॉगिंग तो वापस आने वाले ही ने। चलो चलो छेती करो, बह जाओ। की गल प्रीतो जी, तुसी कल्ले ही बैठे हो? हां जी, ओ हरगुन सिमी रीत ते मन्नी शॉपिंग ली गईयां ने। सच्ची? तुसी इन्ना खुश क्यों हो रहे हो? नॉर्मल हस्बैंड ता अपनी घरवाली दी शॉपिंग तो बहुत इरिटेट हुंदे आ। ओ ना ना प्रीतो जी, मैं हुण नॉर्मल नहीं हैगा। की मतलब तुसी अब नॉर्मल हो? ओ ना ना जी, मेरा मतलब मेरी सोच दुनिया तो अड्डी है। तुसी कॉफी पियोंगे? ना ना प्रीतो जी, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हां, मैं चाह ते कॉफी नु ता हत्थे नहीं लाउंदा, मैं ता सिर्फ जूस ही पीना है जी। झूठ ते झूठ, दिन च 10 बार चाह पींदे ने ते इनु इंप्रेस करन लई हेल्थ कॉन्शियस बन गए। प्रीतो जी वैसे थोनू एक गल कहां, ऊपर वाले ने थोनू बड़ी फुर्सत नाल बनाया है। तुसी भी ना किन्नी तारीफ करते हो। मैं ता सच कहना है जी, दुनिया इनु तारीफ समझ लेंदी है। प्रीतो जी वैसे जादे तुसी इस घर च आए ना, ए वीरान घर जन्नत वरगा लगन लग गया। तुसी भी ना
चुप कर जाओ अर्श, नहीं तो मैं तुहानू सच्ची जन्नत च पहुंचा देंगी। नहीं नहीं नहीं, प्रीतो जी तुसी इत्थे बैठो, मैं फ्रेश होके आना, फिर सारा दिन बैठ के गल्लां करांगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैनू तुहाडी कंपनी दी बहुत लोड़ है। मैं बस हुणे आया। रीत मैडम, आपका पति तो पत्नी वर्ता टेस्ट में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मैनू दूजा दा नहीं पता, बट मेरा मनु इस टेस्ट विच पक्का टॉप करूगा। ये लो, आपके आला भी आ गया। पिछरो। प्रीतो जी, की गल कल्ले बैठे हो? ओ रीत, सिम्मी, हरगुन ते मन्नी शॉपिंग ली बाहर गई हैं। इदा मतलब तुसी कल्ले हो? हाँ जी, बिल्कुल कल्ले। क्यों ना आपा दो कल्ले मिलके दुकल्ले हो जिए? की मतलब तो हड्डा? मेरा मतलब है, क्यों ना तुसी मैनू ते मैं थानू कंपनी दे दा। वैसे अर्श जी ना, मैनू हुनी कंपनी देन लिए आए सी। अर्श लंगूर पालदा है, अंगूर ओ क्यों कंपनी दऊगा? नहीं मनप्रीत जी, अर्श जी ने मैनू बहुत जोक सुनाए है। अर्श जोक? असल चो जोक उन्हें मैं ही सिखाए है। तुसी जोक छड्डो, मैं थानू शायरी सुनाउना। तुसी भी शायरी करदे हो? मैं शायरी नहीं करदा प्रीतो जी, पर जे किते थोड़े वर्गी कुड़ी मेरे सामने बैठी होवे ना, मेरे अंदर दा शायर पता नहीं कित्थों जाग जांदा है। क्या हुआ सिमी दीदी, आपको तो अपने मन्नू जी पे बड़ा भरोसा था, ये तो पहली बोल पे ही क्लीन बोल दोगे। मैनू छड़ांगी नहीं, मेरे लिए फेशियल किट नहीं लेती गई, तेनू शायरी सुना रहा, मैं दसती हूं इनू। अरे नहीं, तो अर्ज किया है। वाह 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 वाह, प्रीतो जी अर्ज ता कर लेने दो। ओप्स सॉरी। तो अर्ज किया है, अगर किस्मत ने हमें मिलाया ना होता तो कमबख्त हम आपसे जुदा ना होते। अगर किस्मत ने हमें आपसे मिलाया ना होता तो कमबख्त हम आपसे जुदा ना होते। आज भी आपको अपना बना लेने का दिल करता है प्रीतो जी, पर काश हम शादी शुदा ना होते। तुसी मैनू शायरी सुना रहे हो या अपनी फीलिंगा दस रहे हो? सिमी दीदी, आपके मनु जी तो डायरेक्ट प्रपोज पे आ गए। वैसे तुसी चाह पियोगे? मैं चाह बहुत स्वाद बनाऊना, मेरे हाथों की चाह पी के ना तुसी मेरे हाथ ही चूमते रहोगे। वैसे गल ही है। नहीं जी, मैं हुनी कॉफी पी के हटी हूँ। फिर मैनू कंपनी देन ले पी लो प्रीतो जी। हाँ जी, एक मिनट वेट करो, मैं हुने बना के ले आया। ठीक है। देखा मैडम, आपके लिए तो कदे पानी भी ना ले आए, और इनके लिए प्यार से चाय बना के ले आ रहे हैं। कुछ भी हो, मेरा जस्सी टेस्ट जरूर पास करूंगा, मैनू पूरा भरोसा। डटो डटो, आपके जस्सी जी की भी बारी आवेगी, देख लेंगे कितना भरोसा से, कदे थारा मैम ना होवे। ओ आगे आ गया, देखो मैनू आगे आ लेते। की गल प्रीतो जी, तुसी कल्ले ही बैठे हो, हरगुण किथे गई? जी ओ चारों जनियां शॉपिंग ली बाहर गई। मतलब घर विच तुसी कल्ले हो? जी जू, तुहाडे हुंदे मैं कल्ली किवें? मैं तो हमेशा ही थोड़े नाल हां। की मतलब? मेरा मतलब थोनू किसी भी चीज की लोड़ होवे, मैनू चाहे दी अद्धी रात नू याद कर लियो। जीजू फिलहाल तो एक चंगे जे मुंडे की लोड़। मैं हैगा। जीजू मैं अपने व्याह की गल कर रही हां। तुहानू व्याह दी इन्नी जल्दी क्यों है? की? ओ मेरा मतलब अजकल शरीफ मुंडे इन्नी आसानी नाल कित्थे मिलदे आ। तुसी एक काम करो, कुछ दिन इत्थे रुक जाओ, तुहानू एक शरीफ मुंडा इत्थे ही मिल जू। मैडम आपके जसी जी तो सब ते चालू निकले, प्रीतो जी की शादी ना करवा कर खुद अपनी शादी का इंतजाम कर रहे। नहीं, वो प्रीतो दा भला चाहंदा है। मैडम वो प्रीतो का नहीं अपना भला चाह रहे, समझाओ इन्हां ने। वैसे प्रीतो जी गल दसा। हां जी दसो जीजू। तुहाडियां अक्खां बहुत सोहणियां। सच्ची? पूरियां झील वांगू डूंगियां ने, ते तुहाडे बुल्लां दा तां की ही कहना, आए लगदा जिवें गुलाब दे फुल ते पंखड़ी हुणी आई होवे। तुसी वी ना जीजू। हरगुन दीदी देखा आपने कैसे तारीफों के पुल बांध रहे हैं, आपकी कदे की है सी तारीफ? आप तीनुआ के पति तो इस टेस्ट में फेल हो गए मैडम। मनी सानू पड़काउन दी कोशिश ना कर, किसी दी तारीफ करना कोई गुनाह नहीं हुंदा। हाँ हाँ, मेरे मनु ने भी कोई गुनाह नहीं किता है, चाह पिलाना ते शायरी सुनाना कोई गलत काम नहीं। अर्श ने भी कुछ गलत नहीं किता, उन्होंने केड़े जाके प्रीतो नु सीधा सीधा प्रपोज कर देता है। मुझे तो लगता आप तीनुआ की आँख खोलन खातर मने प्लान बी बनाना पड़ेगा। प्लान बी? हाँ, इत थारे सेरा ने शिकार करने पर मजबूर करना पड़ेगा। प्रीतो जी तुसी इत्थे? वाह अर्श जी, क्या बॉडी बनाई है, तुसी तां बिल्कुल अक्षय कुमार वर्गे लग रहे हो। बस प्रीतो जी कदे मान जा नहीं कीता, वैसे तुसी इत्थे किवें? एक्चुअली ना मेरे पैरां च बहुत दर्द हो रहा सी, तुहाडे को कोई पेन किलर है? प्रीतो जी ये पैरां दर्द बहुत जिद्दी हुंदा है, ये पेन किलर नाल नहीं जांदा। फिर मैं की करां,
मेरे तो ना ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रीतो जी एक हल है, मैं पैर बहुत वधिया दबाना, एदे नाल थानू आराम मिलूगा। फिर जो भी करना है जल्दी करियो, मेरे तो होर नहीं खड़े आ जांदा। तुसी बैठो, मैं थोड़े पैर दबाना है। रीत दीदी, लगता है आपके पति को पैर दबाने का घना शौक है। इब तो मान गए ना आप, ये सारे मर्द एक जैसे कुत्ते के पिल्ले हुए हैं, हड्डी देखते ही अपना मालिक चेंज कर लिया। एक ता मेरी जिंदगी च पहले ही गैंडा सी, उत्तो पालू जे तू भी आ गया। प्रीतो जी तुसी? मनप्रीत जी, मैनू ना अपने रूम च बहुत डर लग रहा सी, इसलिए मैं तुहाडे कोल आ गई। तुसी बिल्कुल ठीक किता प्रीतो जी, इत्थे तुहानू डरन दी कोई लोड़ नहीं हैगी, इत्थे सिर्फ मैं ही हां। थैंक यू सो मच मनप्रीत जी, जे अज तुसी ना हुंदे तां मैं किसको जांदी। थैंक्स ना कहो जी, तुसी ओ गल नहीं सुनी, दोस्ती दे प्यार विच नो थैंक्स नो सॉरी। प्यार च? मेरा मतलब दोस्ती ही सी। फिर तुसी ओ नहीं सुनिया की मुंडा ते कुड़ी कदे दोस्त नहीं हो सकदे? जे तुहाडी दोस्ती पाण ली मैनू तुहाडे प्यार च भी पैना पै गया ना जी, मैं पिछे नहीं हटदा प्रीतो जी। की मतलब? मेरा मतलब ए सी, तुहाडी दोस्ती मेरे लिए ओनी इंपॉर्टेंट है जिवें जीण दे लई सां, ब्रेड दे लई सॉस, ते ऑफिस दे लई बॉस। सिमी दीदी, आपकी सिचुएशन तो यार मेरा तितलियां वर्के गाने जैसी होगी। जीजू जी, तुहाडे हत्था विच तां जादू है। मैं औरतां दी बहुत इज्जत करदा, उन्हां नूं तकलीफ च नहीं देख सकदा। जीजू जी, तुसी किन्ने चंगे हो, काश तुसी मैनूं पहलां मिले हुंदे। सच कहां, हुण तां मैनूं भी एवें लग रिहा है। किवें लग रिहा? खैर हुण की फायदा, लगदा मेरी किस्मत ही खराब है। हरगुण दीदी, जिसे आप अपनी किस्मत समझ रहे थे वो तो अपनी किस्मत पर तरस खा रहा है। इतना डेमो काफी है या प्लान सी लेना होगा? मन्ने मनी, हाले तक साडे पतिया ने डायरेक्ट प्रीतो नु प्रपोज नहीं कीता, जे आपा इना नु हुने गलत ठहरावांगे ताए कुछ ना कुछ बहाना बना के खुद नु बचा लेंगे। जे आपा इना नु रंगे हाथी फड़ना ना तब प्लान सी वर्तना ही पाऊगा। प्रीतो जी, तुसी बैठो, मैं थोड़े लिए कॉफी लेके आना होनी। तुसी रहन दो जीजू, तुसी आ लो। एक ही है? मेरा लेटर, तुसी पढ़ लियो, मैनू तुहाडे जवाब दा इंतजार रहूगा। जसी, आई लव यू सो मच, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं तुहाडे बिना नहीं जी सकती, तुसी जे मैनू ना मिले मैं मर जूंगी। I love you so much, तुहाडी प्यारी प्रीतो। जीजू जी, मैनू पता सी तुसी जरूर आओगे, फिर की जवाब है तुहाडा? प्रीतो, मैनू तेरे तो यह उम्मीद नहीं सी, आ की हरकत कीती है तू? तैनू मैं कोई करैक्टरलैस बंदा लगदा वी? तेरे करके मैं हरगुण नू धोखा दऊंगा है? वह तो मैं कोई मोती पुन खट्टे सी कि हरगुण अर्गी वाइफ मिली है, इस तो पहला कि मैं तेरे ते कोई एक्शन लवा, चली जा इथों। प्रीतो, जे मैं तेरी थोड़ी तारीफ की करती तू तो इस हाथ से उतरी आई। मेरा ते रीदर रिश्ता इना कमजोर नहीं हैगा, साडा रिश्ता चाह ते चाह पत्ती वरगा है, ते असी एक दूजे बिना अधूरे है। साडा रिश्ता अंबुजा सीमेंट दी कंध वरगा है, ते कोई भी बुलडोजर उन्नू विच आके ढा नहीं सकदा। दूर हो जा मेरी नजरां तो, क्योंकि जेड़ा मेरे और मेरी रीत दे विचकार आऊगा मैं उन्नू देखना पसंद नहीं करदा। मन्नी वेख्या, अर्श मैनू किन्ना प्यार करदे ने, ते मैं तेरियां गल्लां जाके एवें शक कीता उन्हां ते। ओ तू आर्टिफिशियल ज्वेलरी पाउन वाली मंगलसूत्र दी कीमत की समझेंगी? मैं रब अगे लावा लईयां ने सिमी नाल, जीण दियां ते मरन दियां सोहां खादियां ने। तू चाहनी कि मैं तेरे पिछे सिमी नू छड्डदा? कदे भी नहीं, नेवर। ते इद्दू पहला जे मैं तैनू कुछ कहदा तू इत्थों दफा हो जा। वेख्या मनी, मेरे मनु जी किन्ने शरीफ ने, तू एवें मैनू भड़काउण च लगी पई सी। मैं वे किन्ना गलत कीता उहनां ते शक करके। जस्सी, तुसी इह वादा करो अगले 7 जन्म तक तुसी मेरे ही रहोगे। 7 जन्म छड़ तू, मैं 70 जन्म ली तेरा ही है। मनु, मैनू सच्ची कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था। मेरे लिए ता तुसी सब तो वड़ा गिफ्ट हो। रियली? हाँ। आ, माय लव, आई लव यू। अर्श, तुहाडे वर्गा घर वाला सब नू मिले। पर तेरे वर्गी घर वाली किसी होर नू नहीं मिल सकती। मनु,
मणि तू इत्थे क्यों बुलाया सानू? ताकि आप तीनों अपनी बीवियां की नजरों से ना गिरो। कहना की चाहनी है तू? ओहो, मैं प्रीतो की चिट्ठी की बात कर रही जो उसने थरती नु आते दी है। तिन्ना नु? हाँ, तीनों को। मतलब तू अनु दोनों नु भी लेटर देता है? हाँ हाँ, ज्यादा चौकी है मत। इस लेटर के बारे में सिर्फ मन ने नहीं, थारी बीबियां भी पता है। हैं? हाँ, आपकी बीबियों ने इस प्रीतो नाम का जाल बिछाया है थारे खातर। मनी तू कहने की जा रही है, साफ साफ बोल। बता दूंगी, पर इसमें मेरा क्या फायदा? यार तेनु जो चाहिए था, ऐसी तेनु दे दांगे, पर तू सानू साड़ी कार वालियां तो बचा ला। पूरे 50,000 लूंगी। की? हाँ, एक भी पैसा कम ना लियू। है लिचड़ आदमी, काडो साड़ियों, थोड़े दूना करके फसदा मैं ही एंड नू। आपे गिल लूंगी मैं, कम होगा तो मैं बाद में भी ले लूंगी। मैं किस जा रही हूँ? इब थम तीनों मेरी बात सुनो कान खोल के। थारी बीविया ने थान फसान खातर या प्रीत तो बुलाई थी, और यो आज ना यो दोबारा भी उसके है अगर थम ना सुधरे तो। या जीभ लटकान वाली आदत छोड़ दो, वरना कदे न कदे पिछवाड़ा पे लात खाओगे थारी बीविया ते थम। सुधर जाओ, ये लुच्चे लफंगे बदतमीजों वाली उम्र ना रही तारी। इब घर गृहस्थी वाले हो, जिम्मेदारी संभाल लो थम। एक डेढ़ साल में तो बच्चे वाले भी हो जाओगे। इब जाओ थम, मेरा के मुंह देखो हो। दोनों जाने ऐद की किराए नाल 25,000 दे दियो। ओहो मन्नी, आज तो जितने भी मांगती ना सब मिल जाते। बड़ी मुश्किल था तो ये वोट पाड़ के नीचे आए थे। चल कोई ना, अगले सीजन में देख लियो। शुक्र है मनी, तू सानू बचा लिया, नहीं तो कहानी खत्म सी आज। पर फिर भी रहते संगी ओही।